तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये संवाद हो रहा है ब्रह्मा के पुत्र चार कुमारों एवं भगवान के बीच ये वार्तालाप हो रहा है। ये चार कुमारों ने भगवान के दो जो द्वारपाल है, जय एवं विजय, इनको श्राप दिया हुआ है इस समय। उनके हिसाब से ये लोग इस वैकुंठ लोक में रहने योग्य नहीं है, इसे उन्हें मर्त्य लोक में जाने का श्राप दिया हुआ है। तो यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं स्वयं साक्षात, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं। तो धर्म स्वरूप भगवान वहाँ पर कुमारों के समक्ष और द्वारपालों के समक्ष प्रकट हुए हैं, और ये जो संवाद चल रहा है, तो कुमारों ने भगवान को देखा, और जैसे भगवान को देखा उनकी प्रशंसा करने लगे। सबसे पहले भगवान ने उनसे उनसे बातचीत की, और जो भी उन्होंने भगवान ने उनसे कहा कुमारों को ऐसे खास कुछ उस समय पर समझ में नहीं आया कि भगवान किस प्रकार की लीला यहाँ पर रच रहे हैं। अक्सर सामान्यतः लोगों के मन में यह विचार आता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वैकुंठ में जो निवासी रहते हैं उन्हें कोई भौतिक जगत के, जो भले ही वो सबसे उत्तम भौतिक जगत के अधिकारी हो, उत्तम जीव हो, फिर वो कैसे वैकुंठ लोक के जीवों को जो अध्यात्म में रहते हैं सदा, उन्हें कैसे श्राप दे सकते हैं। इस प्रकार की जो शंका है मन में उत्पन्न होता है। वास्तव में ये सब भगवान की लीला है। जब भगवान को, भगवान की कोई इच्छा होती है तो भगवान उसे अपने भक्तों द्वारा ही उसका, उस संकल्प को पूरा करते हैं। जैसे जब भगवान को लड़ने की इच्छा होती है या युद्ध करने की इच्छा होती है, वैकुंठ में तो सब सदा समय शांति है, वो किससे लड़ेंगे। वैकुंठ में ऐसा कोई है नहीं जो उनसे द्वेष करे या उनसे लड़े या फिर उनसे युद्ध करे। तो भगवान को जब ऐसी इच्छा होती है, ये सारी इच्छाएं हमारे भीतर भी है, और ये सारी इच्छाएं भगवान से ही आ रही है। जो भी इच्छाएं हमारे भीतर है वो नारायण के भीतर भी होनी चाहिए, और क्योंकि वहीं से समस्त इच्छाओं का जो बीज है वहीं से आता है। तो नारायण के भीतर भी इस प्रकार युद्ध करने की इच्छा है, जैसे हमारे भीतर कभी कभी लड़ने की इच्छा होती है, किसी को डांटने की, किसी को फटकारने की, किसी को मारने की, इस प्रकार की जो इच्छाएं होती है। जैसे मूवीज में भी हम देखते हैं, फिल्मों में हम देखते हैं, जब फाइटिंग वाला, एक्शन वाला मूवी बहुत चलता है, क्योंकि लोगों को पसंद है ये सब। ये इसलिए पसंद है क्योंकि भगवान को भी यह पसंद है, लेकिन युद्ध करने के लिए कोई चाहिए, तो वे अपने द्वारपालों को, अपने जो भक्तों को ही युद्ध करने के लिए, उनके अगेंस्ट, उनका शत्रु बनकर उन्हें भेजते, क्योंकि और कोई इस पात्र को निभाने के योग्य भी नहीं है। तो यहाँ पर यह सारा लीला जो है भगवान रच रहे हैं, बस एक एक उनकी इच्छा के लिए कि उन्हें अभी लड़ने का अवसर चाहिए, उनका मन किया अभी लड़ना है, तो इस प्रकार की लीलाएं रचते हैं। तो वहां पर कुमारगण पहुंचे और उन्होंने देखा कि द्वारपाल को भी भगवान ने ऐसी बुद्धि दी कि उन्हें रोके, और कुमारों को भी ऐसी बुद्धि दी कि वे उन्हें श्राप दे। तो इस प्रकार यह चल रहा है यह संवाद। तो यहाँ पर कुमारगण कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आप साक्षात धर्म हैं। तो धर्म भी भगवान का एक और नाम है, जो जितने भी धर्म से संबंधित जितने भी कार्य है, जितने भी जो लॉज है, जितने भी नियम हैं, ये सब कुछ भगवान ने स्वयं बनाए हैं, भगवान से ही आ रहे हैं, और भगवान ही साक्षात धर्म है। भगवान जो कहते हैं वही धर्म है, भगवान जो करते हैं वही धर्म है। जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं इन नियमों को तोड़ते हैं, उन्हें यह नियम डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं इसीलिए, या फिर वो भगवान के जो शुद्ध सत्व गुण है उनसे आकर्षित नहीं है, हालांकि वे रजोगुण
और तमोगुण से आकर्षित होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को व्यक्तियों की सुविधा के लिए भगवान ने यह भौतिक जगत बनाए हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, और यहाँ पर आकर वो अपने तमोगुणी और रजोगुणी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। लेकिन जो नियम है उसका पालन करना, या तो आप भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में हो, हम नियमानुसार ही रह सकते हैं। हम कभी इंडिपेंडेंट नहीं है, जो हम कहते हैं कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस हमें कभी नहीं मिल सकता। हम या तो भगवान के इनडायरेक्ट एनर्जी, जिसको हम माया कहते हैं, उनके अधीन रहेंगे, या फिर डायरेक्टली भगवान के अधीन रहेंगे। अधीन तो हम रहेंगे, जो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है वो उसे यहाँ पर भेजा जाता है। वो फिर भी उसे समझ में नहीं आता है कि वो अभी भी अधीन ही है भगवान के, लेकिन भगवान के इनडायरेक्ट एनर्जी, जिसको हम माया कहते हैं, उसके तृतीय शक्ति शक्तिश्च ईष्यते अविद्या कर्म संग अन्य, तृतीय शक्तिश्च ईष्यते, भगवान की जो तीसरी शक्ति है उसके अधीन आ जाते हैं। इसमें भगवान तीन गुणों वाली जो शक्ति है भगवान के, उसके अधीन ये लोग आ जाते हैं। किस किस वजह से? अविद्या, अविद्या की वजह से। वरना विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र के तथा परा, हम भी विष्णु की तरह ही आध्यात्मिक है, किंतु जब हम ये बात भूल जाते हैं कि आध्यात्म जगत में हमें विष्णु के नियमानुसार, उनके बताए हुए धर्मानुसार चलना है, जब इस बात को हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम भगवान की तृतीय शक्ति के अधीन आ जाते हैं। जैसे देख सकते हैं कि जो सोसाइटी में जो सोशल लॉज को, जो यहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारत सरकार का जो नियम है, उसको जो पालन नहीं करते हैं, उसे भारत सरकार जो है जेल में डाल देते हैं। तो जो जेल में जाता है उसे लगता है अभी हमें सरकार का नियम पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वही इस बात को नहीं समझ पाता है कि जो जेल भी है वो भी सरकार के नियमानुसार ही चलते हैं। वहां पे नियम कुछ और होंगे, अलग होंगे, सोसाइटी के जो नियम है उससे भिन्न होंगे, लेकिन वो नियम भी सरकार द्वारा ही रचित है। तो उसी प्रकार ये जो भौतिक जगत जो हम कहते हैं, जिसे हम जिसमें हम रहते हैं, ये भी भगवान के अधीन ही है और भगवान के नियमानुसार ही यहाँ चल रहे हैं, लेकिन यह इनडायरेक्ट प्रोसीजर है। ये जो है यह सामान्य प्रोसीजर नहीं है, ये एक अविरुद्ध प्रोसेस है। इसमें जो हम रह रहे हैं इस भौतिक जगत में, ये डायरेक्ट प्रोसेस नहीं है, ये इनकम्पैटिबल प्रोसेस है। मतलब ये हमारा वास्तविक स्थान नहीं है, हमारा वास्तविक स्थान भगवान के पास जाकर उनके अध्यात्म जगत में उनके नियमानुसार रहना ही है। ठीक उसी प्रकार जैसे जेल से बाहर निकलकर सोसाइटी में रहना ही एक्चुअल नॉर्मल प्रोसीजर है, जेल में रहना एबनॉर्मल सिचुएशन है। चलो इसी प्रकार भौतिक जगत में एबनॉर्मल सिचुएशन में हम रह रहे हैं, इससे हमें बाहर निकलना है, और इससे बाहर निकलने के लिए ही भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। और इस धर्म को जब भौतिक जगत जो जीव रहते हैं वो भूल जाते हैं, भगवान बार बार इस धर्म को पुनर जीवित करने के लिए दोबारा बार बार अवतरित होकर यहाँ पर हर युग में आते हैं और इस धर्म के परिभाषा को समझाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि 5,000 वर्ष पूर्व भगवान आए थे, उन्होंने अर्जुन को इस धर्म की परिभाषा दोबारा समझाया। जैसे कि भगवान भगवद गीता में ही कहते हैं, सकालेन योग नष्ट परंतप महतः योग नष्ट परंतप। ये जो महान योग जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, ये धर्म की परिभाषा जो मैं सिखा रहा हूँ, ये इस वक्त काल के प्रभाव से लुप्त हो रहा है, इसे मैं पुनर्जीवित कर रहा हूँ अर्जुन तुम्हारे माध्यम से। तो इस प्रकार ये भगवान का ये इच्छा अनुसार इस धर्म को बार बार भगवान पुनर्जीवित करते हैं। तो इस बात को कुमारगण जानते हैं कि भगवान साक्षात धर्म है, वो जो कहते हैं वही धर्म है, और इस धर्म को, क्योंकि हम जीव इस धर्म को भूल जाते हैं, इसे दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए भगवान आते हैं यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर निवेदन कर रहे हैं कुमारगण कि हे प्रभु, आप साक्षात धर्म है, अतः इसलिए आप तीनों युगों में
अपने को प्रकट करते हैं, यानी कि बार बार भगवान अवतरित होते हैं। वास्तव में भगवान को अवतरित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान के अवतरित होने के दो कारण हैं, जैसे हम सब जानते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की संस्थापना करने के लिए, और जो दुष्ट जन है उनका संहार करने के लिए भगवान ये दो कार्यों की वजह से यहाँ पर दोबारा आते हैं, हर 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 युग में आते हैं। दुष्ट जनों का संहार वो चाहिए तो वहां से भी कर सकते हैं, या फिर माया के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, अभी थोड़े समय पहले पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। इस प्रकार से पैंडेमिक के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, युद्ध के द्वारा, बाढ़, भूकंप इत्यादि के द्वारा भी भगवान चाहिए तो जितने भी अधर्मी हैं उसे समाप्त कर सकते हैं। तो लेकिन भगवान आते हैं यहाँ पर धर्म की संस्थापना करने के लिए, क्योंकि और वो धर्म की जो परिभाषा है वे अपने भक्तों से मिलकर उन्हें समझाते हैं, और उनके भक्तों के माध्यम से वे दूसरे जीवों को समझाते हैं, देखिए इस प्रकार जीवन व्यतीत करना है। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया इस प्रकार, और अर्जुन के माध्यम से हम जानते हैं भगवद गीता के माध्यम से, गीतम भगवतम ज्ञानम, इसके माध्यम से हम जानते हैं कि धर्म आत्म तत्व क्या है, और जीवन का उद्देश्य क्या है, जीव का उद्देश्य क्या है, ये सब हम समझ पाते हैं। तो यहाँ पर ये कुमारगण कह रहे, आप तीनों युगों में प्रकट होते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं, धर्म के बिना सब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जहां पर भी धर्म नहीं है वहां पर सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो जंगल के भीतर भी जहाँ पे आदिवासी रहते हैं वो भी किसी न किसी प्रकार के नियम का, धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि नियम के बिना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए किसी देश में सरकार नहीं है और वहां पर लीडर्स नहीं है, कंट्रोल करने वाले लोग नहीं है, तो आप देखेंगे वहां सब कुछ तहस महस हो रखा होगा। तो धर्म का पालन एवं नेता का होना बहुत बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर भी जो जो लोग चलते हैं उनके लिए भी नियम बहुत बहुत आवश्यक है। नियम के बिना ना हम धार्मिक पथ पर चल सकते हैं, ना आध्यात्मिक, ना भौतिक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम नियम पालन करते हैं, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए नियमों का पालन करते हैं। जैसे कि रूप गोस्वामी ने हमें यह बताया है कि सुबह उठकर जाप करना है, चार नियमों का पालन करना है, ये सब रूप गोस्वामी द्वारा दिया गया है। उसी को आगे जाकर सारे आचार्यों ने हमें, हम तक, जैसे श्रील प्रभुपाद ने हम तक हमें बताया है ये करना है, ये करने से हम इस आध्यात्मिक धर्म का पालन कर रहे हैं। ये सारे जो नियम है, भागवत श्रवण इत्यादि, ये सभी रूप गोस्वामी ने हमें बताया है, जो श्रील प्रभुपाद ने हमें हमारे सामने रख दिया है। आप शुद्ध सत्व रूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजो तथा तमोगुणों को भगा दी। जैसे कि हम जानते हैं कि इस भौतिक जगत में तीन गुण हैं, जो असुर है वे तमोगुणी होते हैं, जो देवता गण है, जो मनुष्य गण है, या तो रजोगुणी होते हैं या फिर तमोगुणी एवं रजोगुण के मिश्रण है। जो बाकी जो उत्तम श्रेणी के देवता हैं और जो ऋषियां हैं, ऋषिगण, महर्षिगण, ये लोग सब सत्वगुणी होते हैं, लेकिन ये भी कभी कभी रजो एवं तमोगुण से के संपर्क में आ जाते हैं, क्योंकि वे ऐसे जगत में रहते हैं जहां पर रजो और तमोगुण का प्रभाव नित्य रूप से है। जैसे अगर हम ऐसे जगत में रहेंगे जहाँ पर वायरस और बैक्टीरिया रहते हैं, ये संभव है कि हम अपने आप को कितनी भी अच्छी तरह देखभाल करें, हम उनके संपर्क में आ सकते हैं, क्योंकि हर जगह है ये। तो हम उस बीमार पड़ने की, हमारी जो बीमारी, हम पकाने की जो समय है वो कभी भी आ सकता है, मतलब हम अगर थोड़ा सा ढील दे देंगे तो हम इस जगत में बीमार हो जाएंगे। उसी प्रकार थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो सत्व गुण में जो रहता है जो व्यक्ति, वो भी रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हो सकता है। बड़े बड़े देवता गण भी इससे बच नहीं सकते हैं, सामान्य जीवों का क्या कहना।
तो उसी प्रकार कुमारगण जो इतने ऊंचे स्तर पर रहते हैं, वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें इस रजो और तमो गुण से बचाइए और सदैव शुद्ध सत्व में हमें रखिए। यानी कि शुद्ध सत्व केवल आध्यात्मिक जगत में ही उपलब्ध है, लेकिन जो व्यक्ति नित्य रूप से भगवान की सेवा में लगा रहता है, नित्य रूप से जो भगवान का जाप करता है, नित्य रूप से अपने मन में भगवान का चिंतन करता है, वह भी इस भौतिक जगत में रहते हुए अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर रख सकता है। यह इसी इच्छा को मन में लेकर हमें आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहिए, और कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। और थोड़ी सी भी कोई और इच्छा हो हमें हमारे भीतर कि हमें इस भौतिक जगत के कुछ चीजों का हमें आस्वादन करना है, या फिर कुछ चीजें भले ही हमें पूर्ण रूप से उसमें नहीं लगना है, लेकिन थोड़ा सा उसका आस्वादन करना, तो भगवान हमें दोबारा अवसर प्रदान करते हैं, दोबारा शरीर प्रदान करते हैं कि हम उस आस्वादन को पूरा कर ले, उस इच्छाओं को पूरा कर ले, फिर हम भगवान की ओर आए। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप को शुद्ध सत्व, सत्व गुण और शुद्ध सत्व में यही अंतर है कि सत्व गुणी जो है रजो और तमो गुण से प्रभावित हो सकता है, लेकिन जो शुद्ध सत्व में रहते हैं, जो नित्य रूप से अपने आप को आध्यात्मिक स्तर पर रखते हैं, वे कभी ऐसे गुणों से प्रभावित नहीं होते। जैसे हम जानते हैं कि हरिदास ठाकुर, जिन्हें हम नामाचार्य कहते हैं, उनकी परीक्षा स्वयं माया ने ली थी, लेकिन वो प्रभावित नहीं हुए माया से। तो उसी प्रकार हरिदास ठाकुर जैसे भगवान के भक्तों के कृपा से हम अपने आप को उनके प्रसाद लेशानुग्रहित, थोड़े से लेश मात्र उनकी कृपा से हम भी अपने आप को इस भौतिक जगत में शुद्ध सत्व पर, प्लेटफॉर्म पर, उस स्तर पर रखने का हमें सदा प्रयत्न करना चाहिए। वरना क्या हो जाएगा, हम जैसे ही रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में आ जाएंगे, हम फिर उस तरफ खींचे चले जाएंगे। तो यह इस श्लोक का जो भावार्थ है, इस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने दिया। अब देखते हैं श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या कह रहे हैं। इस श्लोक में भगवान को त्रियुग यानी कि तीन युग, सत्य, द्वापर और त्रेता, इन तीनों युगों में प्रकट होने वाला कहा गया है। यहाँ देखने वाली बात यह है, युग तो चार है, हम सभी जानते हैं, कुमारगण भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर कुमारगण कहते हैं कि आप तीन युग में प्रकट होते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम आगे देखेंगे। चतुर्थ युग अथवा कलयुग में उनके प्रकट होने का यहाँ उल्लेख नहीं है। वैदिक वांग्मय में वर्णन हुआ है कि वे कलयुग में छन्न अवतार के रूप में आते हैं, किंतु प्रकट अवतार के रूप में नहीं आते। यानी कि जब कलयुग में भगवान आते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं, कृष्ण वर्णम पिशाकर्षणम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर, यज्ञ संकीर्तन यज्ञ की स्थापना करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और ये वे जब आते हैं, ये कहीं पर भी या फिर किसी से भी कहीं कहा नहीं गया है कि वे स्वयं साक्षात कृष्ण हैं, साक्षात भगवान है, ना नहीं उन्होंने कभी इस बात को प्रकट होने दिया, नहीं उन्होंने कभी किसी से कहा, लेकिन वो है, हम ये जानते हैं। और इस बात का जो पुष्टि है वो शास्त्रों में बहुत कम जगह पर किया गया है। तो इस वजह से इस अवतार को भगवान की छन्न अवतार कहते हैं। वे अपने आचरण के माध्यम से लोगों को, कलयुग के जो वासी जो बहुत पतित थे, उन्हें समझाना चाहते हैं कि कलयुग में हमारा उद्धार कैसे हो सकता है, कलयुग में किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। तो इस प्रकार सिखाने के लिए, हमें अपने आचरण के माध्यम से हमें बताने के लिए कैसी भक्ति करनी चाहिए, यह कहने के लिए इस अवतार में श्री कृष्ण स्वयं, श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, तो चैतन्य महाप्रभु ने श्री कृष्ण का शरीर, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का शरीर धारण करके इस प्रकार इस कलयुग में प्रकट हुए थे।
किंतु अन्य युगों में भगवान प्रकट अवतार होते हैं। प्रकट अवतार यानी कि शास्त्र में स्पष्ट रूप से वर्णन है, और वे ऐसे लीलाएं भी करते हैं जहां पर किसी को भी समझ में आ जाता है कि यह सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात भगवान है। जैसे कृष्ण अवतार में हम देखेंगे, भगवान जैसे ही इस धरातल पर प्रकट हुए, तब से उन्होंने अपनी दिव्य लीलाएं प्रारंभ कर दी थी। तो इससे ब्रह्मा शिव सभी देवताओं को साफ साफ समझ में आ जाता है कि ये साक्षात नारायण है। तो उस प्रकार उसे प्रकट अवतार कहते हैं, जहां पर छन्न अवतार में ऐसी कोई लीलाएं भगवान नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें त्रियुग कहकर संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर इसीलिए चार कुमारजुगण जो है उन्हें त्रियुग कहकर, त्रियुग वास्तव में देखा जाएगा तो सब नाम जो है, जितने भी वेदों में जितने भी शब्द है, सब भगवान के ही नाम है। आप उन्हें त्रियुग कहो, या आप उन्हें धर्म कहो, आप उन्हें कुछ भी, यानी कि जैसे हम कहते हैं, अलग अलग नामों से भगवान को जानते हैं। लेकिन जो कृष्ण नाम जो है, कृषिर्भुवाचका शब्दानश्च निवृत्ति वाचका तयोर ऐक्यम पर ब्रह्म, तो जो कृष्ण इति अपिधीयते, कृष्ण जो नाम है, इस नाम में बाकी सारे जो गुण हैं भगवान के, सारे जो नाम जो भगवान के हैं, उनके गुणों के आधार पर है। जैसे कि हम देख सकते हैं, तीन युग में प्रकट होते, इसलिए उन्हें त्रियुग भी कह सकते हैं, धर्म भी कह सकते हैं, सब कुछ था। जितने भी शब्द वेदों में, सब उन्हीं के नाम है, उन्हीं के गुणों का वर्णन है। लेकिन जो कृष्ण नाम जो है, इनमें बाकी सारे गुण समा जाते हैं। तो एक कृष्ण जब हम कहते हैं, ये सारे गुण जो यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं वेदों में, ये सब उसमें समा जाता है। इसलिए कृष्ण नाम सबसे उत्तम है। श्रीधर स्वामी ने त्रिगु का वर्णन इस प्रकार किया है, युग का अर्थ है जोड़ा तथा त्रिका का अर्थ है तीन। युग का एक और अर्थ है जोड़ा। जैसे कि हम भगवान कई सारे गुण हम जानते हैं, भगवान अपने छह ऐश्वर्यों के द्वारा तीन जोड़ों, या ऐश्वर्य के तीन जोड़ों के रूप में प्रकट होते हैं। छह ऐश्वर्य पूर्ण स भगवान, भगवान के छह ऐश्वर्य है, ये हम सब बात इस बात को हम सभी जानते हैं। और ये छह ऐश्वर्य जो है भगवान के भीतर पूर्ण रूप से उपस्थित है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्रस्य यानी संपूर्ण रूप से ये सारे ऐश्वर्य उपस्थित। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यश श्रिया ज्ञान वैराग्यस्य एव च सन्नम्भगः इतिंगणः। तो यानी कि ये सारे जो छह ऐश्वर्य है, ये संपूर्ण रूप से, ये दो दो के जोड़े में, यहाँ पर श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, युग का यहाँ पर मतलब है ये जोड़े में उपस्थित। ऐश्वर्य वीर्य यश श्रिया ज्ञान वैराग्य छह हो गए, इनको जोड़ों में कह देंगे तो ये तीन कर देंगे तो तीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ श्रीधर स्वामी यहाँ कह रहे हैं, इस तरह उन्हें त्रियु के रूप में संबोधित किया जा सकता है। जो धर्म का जो तत्व है, जो केवल महाजनों के हृदय के भीतर ही रहते हैं, तो वो जो कह सकते हैं, वो जो समझ सकते हैं, वे वही है जो इन कुमारों के हृदय में चल रहा है। ये वही श्रीधर स्वामी उस हृदय को जान सकते हैं, और इसी प्रकार यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि जब कुमारगण ये कह रहे हैं, त्रिगु करके उन्हें संबोधित कर रहे हैं, तो उनके मन में क्या चल रहा है, इस प्रकार यहाँ पर हमें समझा रहे हैं। इस तरह उन्हें त्रिगु के रूप में संबोधित किया जा सकता है। भगवान धार्मिक सिद्धांतों के साक्षात रूप है। तीन युगों में धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा तीन प्रकार की आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा की जाती है, जिनके नाम हैं तप, शौच तथा दया। जैसे कि हम जानते हैं कि धर्म जो है, ऐसे तो चार पैरों पे खड़े रहते हैं। धर्म को अगर एक गाय या बैल के रूप में देखा जाए, तो इन्हीं चार पैर पर खड़ा कहते हैं, तप, शौच, दया और सत्य। यहाँ पर बताया गया है कि तीन युगों में धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा तीन प्रकार के आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा की जाती है, जिनके नाम है तप, शौच तथा दया। तो
क्योंकि यहाँ पर तीन युगों का वर्णन हो रहा है, यहाँ पर इसलिए धर्म को तीन पिलर्स कहा गया है, तप, शौच तथा दया। मतलब इन युगों में असत्य का असत्य कहने का जो प्रवृत्ति है इंसान की, है लगभग था ही नहीं। असत्य कहना, सत्य वाक्य जो था ये बहुत मान्यता रखते थे, सत्य वचन कहना, भले फिर असुर हो, इंसान हो, देवता हो, लेकिन कलयुग में वो पिलर भी टूट जाता है। तो इसलिए चार चारों पिलर जो है लड़खड़ाते हैं इस कलयुग में। लेकिन यहाँ पर वर्णन है तप, शौच तथा दया, इस तरह से भी भगवान त्रियुग कहलाते हैं। तो तीन पैरों पर धर्म खड़ा है इन युगों में, वो है तप, शौच तथा तथा दया। कलयुग में आध्यात्मिक संस्कृति की ये तीन आवश्यक अनिवार्यताएं अनुपस्थित सी रहती हैं, यानी कि लोगों में तपस्या करने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है, वे ऐसे कार्यों में लग जाते हैं जो तपस्या के विरुद्ध है। वे अपने आप को साफ नहीं रखते हैं, शौच दूर की बात है, इसीलिए आप देख सकते हैं काफी सारी बीमारियां और काफी सारी गंदगी हर जगह फैली, क्योंकि उनका मन भी स्वच्छ नहीं है, ना ही उनका आसपास का जो परिसर है वे स्वच्छ रखना चाहते हैं, ना कि उनके उनके जो मुख से जो वचन निकलते हैं वह भी शौच रहित है। तथा दया, जैसे हम देखते हैं आजकल दया केवल नाम मात्र है, जो बेजुबान जो जानवर है उन्हें अपने केवल जीभ के इच्छाओं को पूर्ण पूर्ण करने के लिए उन्हें मार देते हैं, लोग उन्हें खाते हैं, उन पर बहुत अत्याचार होता है, और एक दूसरे के ऊपर भी लोगों के भीतर अब दया नहीं रह गया है। लोग छल करना चाहते हैं, ठगना चाहते हैं, यानी कि इस प्रकार का भी वातावरण है कि कोई संभावना ही नहीं है यहाँ पर, कि चाहे वो भला भले वो तप हो, चाहे शौच हो, चाहे दया हो, चाहे सत्य वचन हो, यह कुछ भी कलयुग में उपस्थित नहीं है। किंतु भगवान इतने दयालु है कि कलयुग के इन तीनों आध्यात्मिक गुणों से रहित होने पर भी वे आते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में छन्न अवतार के तौर पर इस युग के लोगों की रक्षा करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, भगवान को यहाँ पर आने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, भगवान के पास सब कुछ है वहां पर, वहां पर यहाँ से अधिक भक्तगण है और जो उनकी सेवा में मग्न रहते हैं, और भगवान भी उनकी सेवा से काफी प्रसन्न है। यहाँ पर आने का उनका कोई उद्देश्य है ही नहीं, लेकिन एक एकमात्र उद्देश्य है दया। उनकी जो दया भाव है, वे जब देखते हैं कि भौतिक जगत में लोग उनके उनसे ईर्ष्या करके जो लोग यहाँ पर आ गए हैं, वे बहुत संग्राम कर रहे हैं यहाँ पर, और बहुत अधिक मिजरी, जिसको कहते हैं मिजरी, के थ्रू गुजर रहे हैं, दुखालय है यहाँ पर, लोग इस प्रकार से दुख का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन अबोध जाता है जिसको कहते हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रहा है कि अज्ञानतावश अबोध होने के कारण उनके बात समझ में नहीं आ रहा है कि वे यहाँ पर सुखी नहीं है। यहाँ पर इस भौतिक जगत में क्या होता है, कोई बीमारी आती है तो उसको दवाई के माध्यम से उसको काउंटरैक्ट कर रहे हैं, और इस काउंटरैक्शन को लोग खुशी मान रहे हैं, यानी कि बीमारी है यहाँ, इस बात को समझ नहीं पा रहे, लेकिन बीमारी के लिए हमने दवाई का निर्माण कर लिया है, इस बात से वो खुश हो जाते हैं, लेकिन वो इस बात को समझ में नहीं आ रहे, हम ऐसे जगत में रहते हैं जहाँ पर बीमारी है, बुढ़ापा है, व्याधि है, हम जिम में जाकर अपने आप को तंदुरुस्त रखते हैं और खुश हो जाते हैं, लेकिन ये बात इस बात को समझ में नहीं पा रहे लोग कि जिम जाना पड़ता है हमें तंदुरुस्त रखने के लिए, वरना हम बीमार हो जाएंगे। तो ये जो बातें हैं लोगों को, यहाँ के सामान्य लोगों को समझ में नहीं आ रहे, वे उन्हें लग रहा है कि जो सारे जो दुविधाएं हैं उससे लड़ना ही खुशी है उनको, ऐसा उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है, कोशिश नहीं कर रहे, दुविधाएं क्यों है यहाँ पर, क्या दुविधा रहित कोई स्थान है जहां पर हम जा सकते हैं, जहां पर इस प्रकार से संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे लोगों पर भगवान दया करते हैं और यहाँ पर आते हैं,
उन्हें एक पथ, जो पथ भ्रष्ट लोग हैं उन्हें एक आध्यात्मिक पथ, जैसे हम जानते हैं कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह आध्यात्मिक पथ हमें दिया है संकीर्तन यज्ञ का। इसको संपन्न करने से हम इन दुविधाओं से भी बच सकते हैं और ऐसे जगत में प्रवेश कर सकते हैं जहां पर दोबारा हमें ऐसी दुविधाओं का सामना या फिर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस छन्न अवतार में आके महाप्रभु ने हमें यह ज्ञान दिया है। यद्यपि वे स्वयं कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण के भक्त के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हैं, साक्षात कृष्ण के रूप में नहीं। यानी कि भगवान यहाँ पर आते हैं वैराग्य विद्या, निज भक्ति योग, भक्ति योग कैसे करना है, निज यानी कि अपने आचरण के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु हमें यह समझाते हैं। लेकिन वे वही श्री कृष्ण है, पुराना पुरुष वही श्री कृष्ण है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं कि आप इस कलयुग में रहकर भी कैसे भक्ति कर पाएंगे। इस प्रकार बताने के लिए यहाँ पर दया, हम पर दया करते हुए इस कलयुग में आते हैं। इसीलिए भक्तगण श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वे इस युग की सर्वाधिक प्रमुख संपत्तियों रजो तथा तमो गुणों को दूर कर दें। तो जो लोग कलयुग के वासी है उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु का की पूजा करना चाहिए, उनकी जो उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वो इस युग में इस अवतार के माध्यम से हम पर दया दिखा रहे, इस अवतार के माध्यम से हमें धर्म की परिभाषा समझा रहे, कलयुग में इस अवतार के माध्यम से हमारी रक्षा कर रहे। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उनका ये कर्तव्य बनता है कि वे इस चैतन्य महाप्रभु के इस सुंदर स्वरूप की उपासना करें, वे जो कहते हैं वही करें और उनके बताए हुए धर्म की परिभाषा को समझे और उस पथ पर चले। तो आप देख सकते हैं कि हाल बहुत कम व्यक्ति होंगे इस जगत में जो चैतन्य महाप्रभु को जानते भी होंगे। तो ये बहुत ही, ये कलयुग का प्रभाव है, कली का प्रभाव है, ये बहुत ही वेदनाशील बात है कि इतना अच्छा फैसिलिटी चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया कलयुग में कि आप भगवान के समक्ष हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस सरल से जो मंत्र है इसका, महामंत्र है इसका जाप करें और इस प्रकार आप समस्त दुविधाओं से, संघर्ष से मुक्त होकर अध्यात्म जगत में प्रवेश कर सकते हैं। इतना आसान सा तरीका बताया है और ऐसा कुछ नहीं कहा है चैतन्य महाप्रभु ने कि आप ऐसी तपस्या कीजिए, वहां जाइए, इस प्रकार से रहिए। लेकिन जो कलयुग के जो लोग हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, उन्हें ये बात समझ में नहीं आ रहा है। वे सिर्फ अभी भी भौतिक जगत के माया के जो अटैक्स है उसको अभी भी काउंटर अटैक कर रहे हैं और इसी को अपना खुशी मानकर चल रहे हैं। लेकिन जो लोग चैतन्य महाप्रभु के इस बात को समझ चुके हैं वे बहुत बहुत भाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस जन्म के बाद वे इस प्रकार के संघर्ष में उन्हें रहने की आवश्यकता नहीं है। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जाप करके वे अपना जीवन बिता रहे हैं और जीवन के अंत में चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए इस मार्ग पे चलकर वो आध्यात्मिक जगत को बड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को कहा है कि कौनो भगवान जीव ब्रह्मांड भ्रमित है, कौनो भगवान जीव गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति लता बीज। जब तक कृपा नहीं हो चैतन्य महाप्रभु की और गुरु की, खास करके गुरु की कृपा एवं उसके बाद चैतन्य महाप्रभु की कृपा ना हो, उन्हें इस बात को समझना बहुत बहुत कठिन हो जाता है। काफी लोग जाप करते भी है लेकिन जो कृपा है जब उन पर जब तक पूर्ण रूप से कृपा नहीं आती, उन्हें ये बात जाप करते हुए भी समझ में नहीं आता है कि वे कितने भाग्यशाली है। लेकिन वो सही पथ पर है और वह कृपा धीरे धीरे सभी पर
चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं, जिस प्रकार से सूर्य कृपा करती है सभी प्रकार से सभी लोगों को एक समान जो दृष्टिपात करती है सूर्य, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु का जो दया है वो भी सबके लिए समान है। और जो लोग इस कार्य को चैतन्य महाप्रभु के कहे हुए पथ पर चलते हैं वे बड़े आसानी से इसको इस आध्यात्मिक सुविधा को बड़ी आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित भगवान के नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करके रजो तथा तमो गुणों को अपने से दूर कर सकता है। तो वास्तविक धर्म के पथ पर चलने का यही उद्देश्य है कि हम रजो और तमोगुण से बच सके। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के बताए हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से बड़े आसानी से हम सभी रजो और तमोगुण से बच सकते हैं। चारों कुमार रजो तथा तमोगुणों में अपनी स्थिति से ज्ञात थे, क्योंकि वैकुंठ में होते हुए भी उन्होंने भगवान के भक्तों को श्राप देना चाहा। तो इस समय जो चार कुमार है वे अच्छी तरह इस बात को समझ पा रहे हैं कि वे भी रजो एवं तमोगुण से प्रभावित हैं, इसीलिए उन्होंने वैकुंठ में होते हुए भी श्राप देने का उनके भीतर इच्छा आया। ये बात को अच्छी तरह समझ गए और स्वीकार कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई है। चूंकि उन्हें अपनी दुर्बलता का भान था, अतः उन्होंने अपने में शेष रजो तथा तमो गुणों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना होना चाहिए कि हम नित्य रूप से भगवान के से आकर्षित रहें, भगवान की जो शुद्ध सत्व गुण है उससे आकर्षित रहे, हम कभी भी रजो एवं तमो गुण से प्रभावित ना हो। इस प्रकार अगर जो थोड़ा वो बहुत रजोगुण है हमारे भीतर, उसे भी भगवान हमारे अंदर से हटा दे। जबकि जो सामान्य व्यक्ति है वो क्या सोच रहा है, भगवान से क्या प्रार्थना करता है, वो तो यही प्रार्थना करता है कि हमारे भीतर और गुण रजोगुण और तमोगुण डाल दीजिए, ताकि हम और इस भौतिक जगत का आस्वादन कर सके। जैसे जो सत्वगुणी जो व्यक्ति होगा वो नित्य हमेशा यह सोच रहा होगा, ऐसा कभी वक्त ना आए कि कोई नग्न स्त्री मेरे सामने पहुंच जाए और मैं उसका आस्वादन कर सकूं उस स्त्री का। ऐसा कोई समय ही ना आए कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं ही ना आए कि ऐसी कोई स्त्री मेरे सामने। जबकि जो सामान्य व्यक्ति हो यह सोचेगा कितने बार ऐसी नग्न स्त्रियां मेरे सामने आए, ये प्रार्थना रहती है उन लोगों के। जबकि जो सत्वगुणी रहता है उसके मन में ये भय रहता है ऐसी कोई परिस्थिति ही नहीं, तो भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसी परिस्थिति ही ना आए मेरे जीवन में। तो ये अंतर है जो सामान्य व्यक्ति जो भौतिक जगत में है और जो आध्यात्मिक स्तर पर चल रहा हो, ये अंतर हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो चार कुमार कह रहे हैं कि हमारे भीतर भी ये रजो और तमोगुण का प्रभाव आया है, हम ये भामे ये भान है इस बात का, क्योंकि हमने वैकुंठ में आकर भी श्राप देने का जो हमारे अंदर जो इच्छा है वह अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हमें बचाएं, ऐसी परिस्थितियों से हमें बचाएं, दूर रखें, इस प्रकार भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं। तीन दिव्य गुण शौच तप तथा दया द्विजों तथा देवताओं के गुण हैं। जो सतोगुण में स्थित नहीं है वे आध्यात्मिक संस्कृति के इन तीनों सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते। तो देवताओं में ये गुण नेचुरली अवेलेबल है, शौच तप तथा दया इत्यादि ये सब देवताओं में है। एवं भक्तगण यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचन, जो भगवान का शरण लेते हैं, समासते सुरगण, इन इनके जो सर्वेर गुणेर समासते सुरगण, इनके जो देवताओं के गुण जो है इनमें आ जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे जो भक्तगण हैं वो सामान्यतः दयालु होते हैं, उनमें शौच होता है और वो तपस्वी भी होते हैं। ये अपने आप उनके अंदर ही सारे देवताओं के गुण प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वे हरि के भक्त है। हरा व भक्तस्य, लेकिन जो हरि के भक्त है, भक्त नहीं है, वो क्या करते हैं, मनोरथे नास्ति धावती भई, वो माया के अंतर्गत अपना कार्य में मग्न रहते हैं और पीड़ाओं का अनुभव करते हैं, संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष को जीवन का उद्देश्य समझते हैं। इसीलिए
जो सत्व गुण में स्थित नहीं है वे आध्यात्मिक संस्कृति के इन तीनों सिद्धांतों को स्वीकार नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए तीन पाप कर्म हैं जिनकी मनाही की जाती है। ये है अवैध यौन, मादक द्रव्य सेवन तथा कृष्ण को अर्पित प्रसाद के अतिरिक्त अन्य भोजन खाना। तो हम जानते हैं चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स है जिसका हम पालन कर रहे हैं कलयुग में। इसका पालन करना बहुत आवश्यक है ताकि हमारे भीतर धर्म के सारे जो पिलर्स हैं वो स्टडी रहे। दया, तप, शौच, सत्य इत्यादि, ये सब स्टडी रहे। ये तीनों निषेध तपस्या, शौच तथा दया के सिद्धांतों पर आधारित है। भक्तगण दयालु होते हैं क्योंकि वे दीन पशुओं को नहीं मारते तथा स्वच्छ रहते हैं क्योंकि वे अवांछित खाद्य पदार्थों तथा अवांछित आदतों के कलमश से मुक्त रहते हैं। तपस्या का प्रतिनिधित्व नियंत्रित यौन जीवन द्वारा किया जाता है। धर्मो अविरुद्धो कामोस्मी, नियंत्रित यौन जीवन, यानी कि जैसे भगवान कहते हैं कि धर्म के विरुद्ध जो यौन संबंध है वो मैं नहीं हूँ। धर्म यौन संबंध में जो धर्म है वो है विवाह। तो विवाह के अंतर्गत जो यौन संबंध संबंध है वो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। इसके बाहर जो यौन संबंध है वो अधर्म है। चारों कुमारों का की प्रार्थनाओं द्वारा इंगित किए गए इन सिद्धांतों का पालन उन भक्तों द्वारा किया जाता जाना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं। तो अगर हमें कृष्ण भावनामृत में लगे रहना है तो ये बहुत आवश्यक है कि हम धर्म के इन सभी जो पिलर्स है इसको स्टडी रखें एवं चैतन्य महाप्रभु द्वारा बताए गए संकीर्तन यज्ञ का अच्छी तरह से हम पालन करें। इससे ये बड़ा आसान हो जाता है कि हम इस धर्म के पथ पर चलकर भगवान की कृपा को बड़ी आसानी से जीत सकते हैं। और भगवान एवं गुरु की कृपा के बिना यह असंभव है कि हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सके। तो यह अवसर जो आप लोगों ने मुझे प्राप्त किया कि इस श्लोक पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो इस विषय में तो मुझसे अभी वो पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।